हरियाणा के तीनों लाल देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल में राजनीतिक दुश्मनी चाहे जितनी हो, लेकिन तीनों एक मुद्दे पर समान थी। लेकिन वह कौन सी बात है जो तीनों में समान थी? असल में 30 साल पहले जब देवीलाल हरियाणा की कमान ओम प्रकाश चौटाला को थमाने जा रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है कि आप बेटे को सीएम बनवा रहे हैं? देवीलाल का जवाब था, अपने छोरे को न आगे बढ़ाऊ तो क्या थारे छोरे को बढ़ाऊ। जो काम देवीलाल ने किया वही बंसीलाल और भजनलाल ने भी किया। इतने सालों में तीनों के बेटे ही नहीं, पोते तक राजनीति में सक्रिय रहे। हरियाणा की इन तीन राजनीतिक परिवारों की अदावत तब से अब तक जारी है। बाप से बेटे और बेटे से पोते तक की ये दिलचस्प लड़ाई इस बार भी जारी रहेगी। भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई और ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला के बीच मुकाबला होने वाला है। 2014 में दुष्यंत ने हिसार से ही भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई को हराया था। सवाल ये है कि क्या भव्य अपने पिता की हार का बदला चुका पाएंगे या फिर पिता की तरह ही मात खा जाएंगे। हरियाणा जैसे राज्य में जहां जातिवाद सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर होता है, वैसे राज्य में 2% से कम आबादी वाले बिश्नोई समाज के भजनलाल 3 बार सीएम बन चुके हैं। लेकिन हिसार का चुनावी हिसाब अब अलग है। भव्य को वही करिश्मा दोहराना होगा जो उनके दादा किया करते थे, नहीं तो बाजी एक बार फिर हाथ से निकल जाएगी। देवीलाल और नहीं ओम प्रकाश चौटाला कभी अपने सियासी दुश्मनों को भूलते नहीं थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला के सुर बदले हुए हैं। वे कहते हैं कि राजनीति में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, कुछ ऐसा ही भव्य बिश्नोई का मानना है। लेकिन ये हरियाणा है और दोनों रसूखदार सियासी परिवार से हैं, इसलिए लड़ाई तो जोरदार होनी है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी अपनी संभावनाएं टटोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।